अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन लेना है और मेरा लिस्ट में आपका नेम आ चुका, तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके हवाले से आपकी कंप्लीट रहनुमाई करूंगा। बकाया तौर पर यूनिवर्सिटी की जानब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने कंप्लीट आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया इसको फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तर एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में अगर आपका नेम आ चुका है, तो ज्वाइनिंग के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है, वो आपने लेके जाना है। उसके बाद उसमें 6 लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ 1.5x2 साइज विद ब्लू बैकग्राउंड, 2 अटेस्टेड फ्रॉम फ्रंट एंड 6 अटेस्टेड फ्रॉम बैक। तो आपने 8 तस्वीरें लेके जानी है, 6 आपकी जो है वो बैक से अटेस्टेड होनी चाहिए और 2 फ्रंट से। उसके बाद 5 कॉपीज ऑफ द मैट्रिक डिग्री सर्टिफिकेट, वो भी आपने अटेस्टेड करवा के लेके जानी है। 2 कॉपीज ऑफ द मैट्रिक करेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड होनी चाहिए दोनों। उसके बाद 5 ऑफ द इंटरमीडिएट कंबाइंड रिजल्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सर्टिफिकेट अटेस्टेड, तो आपने इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट कार्ड है आपका वो भी आपका अटेस्टेड होना चाहिए। उनकी 5 कॉपीज आपने करवा के जानी है। अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड आपके पास है तो आपने वो लेके जाना है, अगर आपके पास कंप्लीट एफएससी का रिजल्ट कार्ड है तो आपने वो लेके जाना है। उसके बाद 2 कॉपीज ऑफ द करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज लेवल होप सर्टिफिकेट पार्ट 1 अटेस्टेड आपके पास होना चाहिए, तो पार्ट 1 एफएससी पार्ट 1 का करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर स्टडीज एंड अंडरटेकिंग पार्ट 6 ऑन सेपरेट जुडिशियल पेपर वर्थ 200 फॉर ईच, आपने ये एफिडेविट भी बनवा के लेके जाना है। उसके बाद सबमिशन ऑफ द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी बनवा के लेके जाना है। 2 कॉपीज ऑफ द फादर आईडी कार्ड लेके जानी है, 2 कॉपीज ऑफ द बे फॉर्म या फिर आपने अपनी जो आईडी कार्ड की कॉपीज हैं वो भी आपने लेके जानी है। यूजी फॉर्म 1 विद 1 डीन कॉपी ऑफ द डिपॉजिट फी स्लिप, ये भी आपने लेके जानी है। और E2 फॉर्म भी आपने लेके जाना है विद 1 कॉपी ऑफ द मैट्रिक इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 करेक्टर सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड आईडी कार्ड एंड फादर आईडी कार्ड एंड 2 अटेस्टेड फोटोग्राफ्स। E2 फॉर्म के साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने ये भी लेके जाने हैं। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। कंप्यूटर साइंस, आईटी, इस तरह एससी और बायो के बाकी तमाम बीएस के डिपार्टमेंट्स में एडमिशन के लिए, तो ये इसके हवाले से नोटिफिकेशन आया था, इसके हवाले से आपको बताना था। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने जब आपने ज्वाइनिंग देने जाना है। मजीद मैं इसके हवाले से जो आपकी अपडेट्स हैं वो जो आएंगी यूनिवर्सिटी की जानब से वो भी आपसे इस चैनल पर शेयर करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ।